मैंने ऐसे कई सारे पेशेंट्स देखे हैं जो पीआरपी ट्रीटमेंट या हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट लेने के बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ऐसे कौन से रीज़न है जिस वजह से पीआरपी ट्रीटमेंट या हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट के बाद उन्हें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है? इसके पीछे तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर लॉस ये आज के टाइम में बहुत ही कॉमन कंसर्न हो चुका है जो पर्सन के सेल्फ कॉन्फिडेंस को और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करता है। इसके लिए लोग सबसे पहले पीआरपी ट्रीटमेंट या हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स ऑप्ट करते हैं, किंतु कुछ टाइम के बाद उन्हें रियलाइज होता है, उन्हें कुछ कमी फील होती है और वे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर मूव होते हैं। इसके लिए पहला इंपॉर्टेंट रीज़न है एनहेंस हेयर ग्रोथ विथ कॉम्बिनेशन थेरापी। जब हम पीआरपी या हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स अकेले यूज़ करते हैं तो उसकी लिमिटेशन ये आती है कि वो सिर्फ एग्जिस्टिंग हेयर को इम्प्रूव करती है, उसके ग्रोथ को एनहेंस कर सकती है, लेकिन वो नया हेयर ग्रोथ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, जिसके लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना मैंडेटरी होता है। और दोनों को जब हम साथ में करते हैं तब हम बेटर और फास्टर हेयर ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन को हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट या पीआरपी के साथ कंबाइन करने का सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न है टू एड्रेस ऑल स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस। पीआरपी थेरापी या हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली हेयर लॉस के इनिशियल स्टेज में एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन यूजफुल है, जिसमें एक्सेस हेयर शेडिंग हो रहा है या इनिशियल स्टेज ऑफ हेयर थिनिंग है, लेकिन जैसे ही हेयर लॉस आगे बढ़ता है बोल्ड पैचेस अपीयर होने लगते हैं, उस टाइम पे अकेला पीआरपी ट्रीटमेंट या हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर सकती है। और इस स्टेज पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक वर्क होस्ट ट्रीटमेंट बन जाती है जो एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड रीज़न इज लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट सॉल्यूशन। पीआरपी थेरापी या हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, उसे रेगुलरली यूज़ करना या मल्टीपल सेशंस में रिपीटेडली लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो बाइल्डिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, लेकिन वो कोई लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर है जिसमें स्कैल्प या बियर्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट हेयर फोलिकल्स को लेके बोल्ड स्कैल्प में इम्प्लांट किए जाते हैं, जिसमें से जो नया हेयर ग्रोथ मिलता है वो हेयर रूट्स स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से उसकी लॉन्गेविटी है वो काफ़ी सालों तक ही होती है या लाइफ लॉन्ग होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर जीनेटिक्स, योर हेयर केयर एंड क्वालिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म्ड। सो गाइज, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साथ जब हम पीआरपी ट्रीटमेंट या हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट करते हैं तब हम हेयर लॉस के हर एक स्टेज को कवर कर सकते हैं, एनहेंस्ड हेयर ग्रोथ पा सकते हैं और वो भी लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट वे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो आपकी ट्रीटमेंट के बारे में आपको गाइड करने में ये डेफिनेटली आपकी मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर एस्थेटिक पार्टनर। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।